याद रखना, पिता कितना भी कठोर हो, पिता जितना कठोर होता है मां उतनी ही कोमल और ममतामयी होती है। और याद रखना मेरे पागलो, तुम दुनिया में सबका दिल दुखाना पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। बेटा हो या बेटी, कितने भी गड़बड़ हो, कितनी भी गालियां बकलें, उल्टा सीधा बोल लें, माँ को भी बकले, माता कुछ देर के लिए जरूर मुंह नहीं बोलेगी, रात में अंत में भोजन लेकर के आ ही जाएगी, ले बेटा खा। इसलिए माँ को ममता की मूर्ति कहा। और हमारा तो निज अनुभव है, धरती पर भगवान के दर्शन करना है तो माँ बाप और गुरु यही धरती के भगवान है। मां से बड़ा ममतावान कोई नहीं होता। कितने ही किलोमीटर दूरी पर बेटा या बेटी रहते हो पर मां के हमेशा दिल के करीब रहते हैं। बेटा कितना भी निकम्मा हो, चोर हो, खुरापाती हो, भाई मन काट देगा, पिता त्याग देगा, पर मां मरते दम तक अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। बुरा ना मानो मेरे पागलो, ये बात नोट कर लेना, जीवन में माता और पिता, माता पिता में जो माँ है ना, माँ कोई स्त्री नहीं है, माँ कोई संबंध नहीं है, माँ एक ममता की मूर्ति है। पूरे जीवन भर बोझ डोती माँ, बचपन काल से ही मां का संघर्ष प्रारंभ हो जाता, अपने बेटा और बेटी को सूखे में सुलाती, खुद गीले में सोती, बेटा और बेटी को भोजन कराती, खुद भूखी रहती। बेटा और बेटी कहीं पर भी चले जाएं, सबसे ज्यादा मन्नत अगर कोई मांगती है, सबसे ज्यादा अर्जी अगर कोई लगाती है, ईश्वर से अपने पुत्र या पुत्री की मंगल की कामना अगर सबसे ज्यादा कोई जीवन में करता है तो वो मां करती है। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और उसमें भी माँ, माँ एक ऐसा शब्द है जिस शब्द की कोई व्याख्या नहीं है, माँ जिसका कोई उदाहरण और इसकी कोई दूसरी तुलना नहीं है। स्मरण रखना, तुम सबको दुख देना पर अपने मां बाप को स्वप्न में भी दुख मत देना। मां सती की मां से आप चरित्र से ध्यान रखना। सती की मां जानती है कि मेरे पति बहुत खतरनाक हैं। सती की मां को पता है, इन्होंने आज्ञा दी कि शिव संबंधी कोई भी आए उनसे कोई नाता नहीं रखना है। पर सती की मां ने अपने प्राणों की बाजू लगा दी कि मैं भले ही मैं मर जाऊं, मेरी गर्दन काट दें, पर मेरी बेटी से कोई नहीं बोल रहा, मैं तो गले मिलकर के ही रहूंगी। यही तो मां की ममता होती है, यही तो मां की मूर्ति होती है। मां ममतावान होती है, मां करुणावान होती है। मां एक ऐसा शब्द है जिस शब्द में अथाह प्रेम भरा है, लवालब। मां एक ऐसी उद्घोषणा है जिसको बोलने के बाद संतुष्टि मिल जाती है। और सच कह दें, बेटा हो या बेटी, वास्तविक जीवन में अगर घर से जुड़ा रहता है तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति से अगर डांडस बनाने का काम कोई करता है तो जीवन में मां करती है। भयंकर दुख आ जाए, मां बोल देती है तू चिंता मत कर, ये तो होता रहता है। मुझे एक बाकी स्मरण आ रहा, एक क्रिमिनल को फांसी की सजा मिली, वो घर पर मां बाप से मिलने आया, पुलिस वाले उसे लेकर आए, उसने मां को प्रणाम किया, मां रो पड़ी,
कि तुझे तो फांसी है। वो उससे ज्यादा पहले ही रो पड़ा, मां मुझे फांसी की सजा मिली है। मां ने सोचा अगर मैं भी रोऊं ये भी रोए मामला बिगड़ जाएगा, बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा। मां ने उसका सिर पकड़ा, सिर पर हाथ फिराते हुए अपनी गोद में सिर रखा। वो जंजीरों से बंधा था, जिस बालक को अपने हाथों से बांध करके रखती थी उसका वो बालक आज जंजीरों से बंधा था। दो दिन बाद उसकी फांसी थी, दो दिन बाद उसको मरना था। फिर भी माँ सहलाती हुई, अपने आप को भींचती हुई, अपने आप को कंट्रोल करती हुई क्या कहती है? वो कहती है, बेटा ये तो आना जाना सब ईश्वर के हाथ में है, तू चिंता मत कर, तू रो मत, दो दिन ही जिंदगी के दो साल मान। और जब बालक चला गया लोगों ने उसकी माँ की बड़ी तारीफ की, ये बड़ी ताकतवर है, ये बड़ी ढांढसमान है, ये तो बड़ी ज्ञानमान है। लेकिन जब लोग दोबारा मिलने गए तो उससे उसके पहले उस पुत्र को फांसी लगती, उसकी माँ ने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। और मरते मरते वो कहती जा रही थी कि मैं पुत्र को भले ही ये कह चुकी कि मरना और जीना तो ईश्वर के हाथ में है, पर मेरा हृदय जानता है कि मेरा पुत्र क्या है और पुत्र के जाने का दुख क्या है। लेकिन अपने पुत्र को प्रसन्न देने के लिए मैं रो नहीं पाई और अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं अपने प्राण त्यागूंगी। ये होती है माँ जो अपने बेटे को प्रसन्न रखना चाहती है, खुद मरना चाहती है। माँ एक ऐसी मूर्ति है वो अपने रक्षाबंधन को भूल जाती, वो अपने घर को भूल जाती, भाई की सुनी कलाई रक्षाबंधन पर पड़ी रहती, पर माँ अपने पुत्र के प्रसन्नता के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर जाना बंद कर देती ताकि मेरे पति और मेरे पुत्र प्रसन्न रहें। उसे भी बहुत याद आती, उसे भी लगता मैं जाऊं मेरे भाई की सुनी कलाई होगी, मैं कलाई पर राखी बांधूं, आज मेरा भाई अकेला महसूस कर रहा होगा, मैं जाकर के उसको खुशियां दूं। सबकी बहनें आई होंगी, मेरी सहेलियां आई होंगी, पर माँ तो माँ होती है, एक तरफ सोचती है कि मैं जाऊंगी तो घर पर मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं अपनी खुशियों को मार देती हूँ, मैं अपने भाई की कलाई सुनी रख लेती हूँ, पर मेरा बेटा मेरा बेटी भूखा ना रहे। ये है माँ, ये होती है साधु वो माँ। माँ के लिए तो कोई व्याख्या नहीं है। माँ शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा है। एक वीडियो हमने बहुत पहले किसी सज्जन ने हमें दिखाया था, उस वीडियो का चित्रण आज भी हमारे चित्त को झंझोर देता है। हम तुम्हें वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे पर उसका चित्रण बताते हैं। रोड के एक्सीडेंट में एक बंदर का बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता है बीच रोड, खबर नहीं रही होगी उसकी माँ, उस बंदर की माँ उस रोड पर पिछले हुए बच्चे को हाथ में लेकर के 9 दिन तक उसी रोड में उसी जगह बैठी रहती, 9 दिन तक। तो इंसानों में ही केवल माँ में ममता नहीं होती, पशु पक्षियों की माँ को भी ममता होती है, यहाँ तक कि चिड़िया भी अपने बच्चों के चुगने के लिए स्वयं तूफान से लड़ती, धूप से लड़ती, बड़े बड़े चट्टानों से लड़ती, हवाओं से लड़ती, पर दाना ला करके अपने बच्चों का पेट भरती। इसी का नाम है माँ, इसी का नाम है माँ। मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई बहन, मेरे पागलों, तुम जीवन में सबको दुखी करना, माँ बाप को दुखी मत करना। तुम सबके ऊपर चिल्ला पड़ना, औरों पर चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा, एक तुम्हारी मां होती है जो तुम्हारा चिल्लाना भी सह लेती है, कुछ नहीं बोलती, मौन हो जाती। औरों को तुम गाली देते हो वो चांटा मारते हैं, पर एक तुम्हारी मां होती है जो तुम्हारी गाली भी सह लेती है, तुम्हारे नखरे भी सह लेती है। तुम एक कपड़े उठाते हो 10 बिखेर देते हो, मां कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उसको ठीक कर देती है। कभी पत्नी के साथ जीवन में ऐसा करना तब खबर लगेगी, वो 4 सुनाएगी तब एक काम करेगी,
माँ के साथ जीवन में देखना, माँ इतनी ममतावान होती है, तुम 10 बार कुछ भी गंदगी कर लो 10 बार साफ कर देती।